बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर, लेक्चर नंबर 10, एक्सरसाइज 5.2। वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। 5.2 इज़ अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग बोर्ड मास रूल। ठीक है, हमने जो बोर्ड मास रूल डिस्कस किया चैप्टर 5 में और एक्सरसाइज 5.1 में अपने प्रीवियस वीडियोस में, हमने उसी के अकॉर्डिंग अपने वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है, ये रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, हमारी डेली यूज़ की एग्जांपल्स होती हैं, जो हम लोगों ने अपने मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व करनी होती हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। 3 फैमिलीज लिव टुगेदर इन अ हाउस। द डेली यूज ऑफ मिल्क ऑफ वन फैमिली इज 5 1/2 लीटर एंड द अदर टू फैमिलीज यूज 1/6 लीटर्स एंड 2 1/3 लीटर्स रिस्पेक्टिवली। ओके, 3 फैमिलीज हैं, एक घर में रहती हैं। ठीक है, उन तीनों फैमिलीज़ का जो डेली यूज़ ऑफ मिल्क है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क है, जितना वो डेली एक फैमिली यूज़ करती है, वो हमें गिवन है। हमने फाइंड आउट करना है हाउ मच मिल्क वुड आ मिल्क मैन सप्लाई देम, कि जो एक मिल्क मैन है, जो दूध देने आता है, वो डेली कितना मिल्क सप्लाई करता है उस एक घर में जहाँ 3 फैमिलीज रहती हैं। सो क्वान्टिटी ऑफ फर्स्ट मिल्क यूज, क्वान्टिटी ऑफ मिल्क यूज बाय फर्स्ट फैमिली 5 whole 1/2, सेकेंड फैमिली 1 whole 1/6 लीटर एंड थर्ड फैमिली 2 whole 1/3। टोटल क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मिल्क हमने टोटल क्वांटिटी फाइंड करनी है, किसकी, जो कि एक मिल्क मैन सप्लाई करता है डेली मिल्क की। वी विल ऐड ऑल दीज क्वांटिटीज, हमने टोटल फाइंड करना है। सो वी विल सम, हम सम करेंगे, हम ऐड करेंगे तीनों क्वांटिटीज़ को। हमने तीनों क्वांटिटीज़ को सम किया। ठीक है, अब हम लोग जब मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, हमें पता है 2 5s are 10, 10 plus 1 11/2, 6 1s are 6, 6 plus 1 7/6, 3 2s are 6, 6 plus 1 7/3। आगे हमारे पास, अब हमने एलसीएम लेना है। जब हम 6, 2 और 3 का इस तरह ये एलसीएम लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 6। किस तरह, 2 3s are 6, 2 1s are 2 और 3 as it is और 3 1s are 3 और 1 as it is और 3 1s are 3। क्लियर हो गया। अब जो एलसीएम आ गया वो आ गया 6। जी, एलसीएम आ गया 6। अब हमें पता है एलसीएम के आगे हमने क्या करना है, हमने हर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 1/1 एलसीएम से डिवाइड करना है और आंसर को ऊपर वाले न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने इस स्टेप को फॉलो कर लिया। जब 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 3, हमने 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी भी हम यूँ ही कर लेंगे। ऊपर हमारे पास वैल्यूज आ गई 33, 7 plus 14 हेयर और डिवाइडेड बाई 6, हमने सम अप कर लिया और आंसर आ गया 9 लीटर। इट्स मीन वो जो मिल्क मैन है वो डेली 9 लीटर मिल्क सप्लाई करता है एक घर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नुशीन बोट 12 meters क्लोथ फ्रॉम द मार्केट। नुशीन ने कितने मीटर कपड़ा खरीदा है मार्केट से, क्लोथ 12 meter क्लोथ उन्होंने बाय किया है। ठीक है, She used half of cloth. इट्स मीन 12 meter का हाफ उसने यूज़ कर लिया फॉर हर सूट, अपने सूट के लिए, एंड 2/3 ऑफ द रिमेनिंग फॉर हर डॉटर सूट। और जो उसके पास रिमेनिंग रह गया उसका 2/3 उसने यूज़ किया अपने डॉटर के सूट के लिए। ठीक है, हाउ मच क्लोथ वॉज लेफ्ट विद हर। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मच क्लोथ वॉज लेफ्ट विद हर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ। टोटल लेंथ ऑफ क्लोथ इज 12 meter एंड द क्लोथ शी यूज फॉर हर सूट, हाफ ऑफ द टोटल था ना, टोटल का हाफ, इट्स मीन वी हैव टू डिवाइड इट बाई 2। हाफ यही होता है ना, 1/2, तो 12 multiply 1/2, इट्स मीन 12 divided by 2, तो 12 का हाफ हो गया 6। ठीक है, नाउ रिमेनिंग क्लोथ। अब रिमेनिंग क्लोथ हमने इसलिए फाइंड करना है क्योंकि उसने 2/3 यूज़ किया रिमेनिंग क्लोथ में से, 2/3 पार्ट उसने उस कपड़े का यूज़ किया अपनी बेटी के सूट को स्टिच करने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड रिमेनिंग क्लोथ। सो रिमेनिंग क्लोथ इज 12 meter minus 6 meter इज इक्वल्स टू 6 meter। इट्स मीन 12 meter टोटल था, 6 meter उसने अपने सूट के लिए यूज़ किया और 6 meter उसके पास रिमेनिंग क्लोथ रह गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द क्लोथ यूज्ड फॉर हर डॉटर सूट 2/3 की, उन्होंने कहा था कि 2/3 ऑफ द रिमेनिंग, सो रिमेनिंग क्या था, 6 meter। 2/3 ऑफ रिमेनिंग का क्या मतलब है, ये 6 आ गया 6 meter। ठीक है, और ऑफ का मतलब क्या था, वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, सो 2/3 multiply 6 meter, 3 1s are 3 और 3 2s are
सिक्स. सो 2 × 2 इज़ इक्वल टू 4 मीटर. सो उसने अपनी बेटी के सूट के लिए, डॉटर सूट के लिए कितना क्लॉथ यूज़ किया? 4 मीटर. द लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट विद हर. अब 12 मीटर में से कितने मीटर क्लॉथ उसके पास रह गया? 6 मीटर अपने सूट के लिए यूज़ करने के बाद और 4 मीटर अपनी डॉटर के सूट के लिए यूज़ करने के बाद. सो 6 − 4 मीटर इज़ इक्वल टू 2 मीटर. 8 × 12 मीटर टोटल था. 6 मीटर उसने अपने लिए यूज़ किया, 4 मीटर उसने अपनी डॉटर के लिए यूज़ किया, तो 12 मीटर हमारे पास रिमेनिंग रह गया. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट. अहमद रिक्वायर्ड 18 1/2 फीट लॉन्ग केबल वायर फॉर अ कनेक्शन. उसे इतनी लॉन्ग केबल चाहिए एक कनेक्शन के लिए. वो ही ज्वाइन टू लेंथ्स ऑफ वायर्स. उसने टू लेंथ्स ऑफ वायर क्या की? ज्वाइन की. ज्वाइन मीन उसने दो, आप ये समझ लें कि जो वायर्स थे, केबल्स थी, उनके छोटे छोटे दो ना पार्ट्स थे, उन दो पार्ट्स को ना उसने ज्वाइन कर लिया. नाउ हाउ मच लेंथ डज ही हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेंथ. अब उसको और कितनी चाहिए उस रिक्वायर्ड लेंथ के पहुंचने के लिए? इट्स मीन आपको टोटल गिवन है कि इतनी रिक्वायर्ड है और उसमें से कुछ और गिवन है. अब आपने फाइंड करनी है कि और कितनी मिले तो वो हमारी रिक्वायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग हो जाए. सो फर्स्ट लेंथ ऑफ अ वायर इज इक्वल टू 9 होल 3/4 एंड सेकेंड लेंथ ऑफ द वायर 11 होल 1/6. सम ऑफ दीज टू लेंथ. देखें ना, हमें रिक्वायर्ड पता है और हमें टू लेंथ पता है टू डिफरेंट वायर्स की. तो हमें पहले उन टू डिफरेंट वायर्स को सम करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो ही हमारे पास एक क्वांटिटी आएगी, एक हमारे पास सॉरी मेजरमेंट आएगी वायर की, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमें रिक्वायर्ड में से और कितनी कम है. ठीक है जी. सो हम लोगों ने 4 9 = 36 36 + 3 39/4 6 11 = 66 66 + 1 67/6. नाउ वी हैव टू टेक द एलसीएम 4/4 और 6. ये एलसीएम लिया हुआ है. यू कैन चेक इट. 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2 and 3 × 1 = 3. एलसीएम इज 12. ओके, नाउ वी विल डिवाइड डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट फ्रैक्शन टू द एलसीएम. सो 12 / 4. 4 × 3 = 12. आंसर इज 3. सो वी विल मल्टीप्लाई 39 × 3. यही हमारा प्रोसीजर है, सेम हेयर फॉर द 67. ओके, नाउ 117 + 134 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू टर्म्स. ठीक है जी, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया. सो 117 + 134 = 251/12. अब ये 251/12 है. अब हमने रिक्वायर्ड लेंथ में हमने देखना है कि कितनी हमारे पास है एक्स्ट्रा. ठीक है जी, जी रिक्वायर ये हमारे पास है कि 251/12 और 18 1/2. हमने यही फाइंड करना था ना कि हमारे पास जो टोटल लेंथ आई है वो रिक्वायर्ड से कितनी ज़्यादा है. ही हैव मोर देन द रिक्वायर्ड लेंथ. सो 251/12 मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज किया, 37/2 सेम, 2 12 और 2 डिनोमिनेटर डिफरेंट है, एलसीएम लेंगे तो 12 भी आ जाएगा. और उसके बाद हम सेम प्रोसीजर 2 6 = 12, 6 को 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 1 = 12 और 1 आ गया तो 251 को 1 से. सो 251 − 222/12 आंसर आ जाएगा 29/2. और इसको जब आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 होल 5/12. मिक्स फ्रैक्शन में आपको चेंज करके चेक करवा देती हूँ. 12 12 2 = 24 24 में हमारे पास आंसर आ जाएगा 5. सो 2 5 / 12. इट्स मीन ये इतने फीट हमारे पास जो केबल वायर लेंथ है वो हमारे पास ज़्यादा है रिक्वायर्ड लेंथ से. ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. जजाकल्लाह.